हेलो दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। एक बार फिर से आज की नई वीडियो में दोस्तों बात करने वाला हूँ। दोस्तों कैसे, दोस्तों आप अपने डिवाइस में हाइड ऐप के पासवर्ड को अनलॉक कर सकते हो, मतलब फॉरगेट कर सकते हो। दोस्तों अगर आप हाइड ऐप यूज़ कर रहे थे, आप उसका पासवर्ड भूल गए हो, तो दोस्तों जो ऐप आपके फ़ोन में हाइड है आप उसको अनहाइड करना चाहते हो, कैसे कर सकते हो, आज की वीडियो में दोस्तों यही बात करने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों अगर आपके फ़ोन में ऐप हाइड हो रखे हैं और उनको अनहाइड करना चाहते हो, और आप हाइड ऐप का पासवर्ड अगर भूल गए हो, तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने फ़ोन में हाइड ऐप सेटिंग ओपन कर लो। यहाँ पर आपकी हाइड ऐप सेटिंग ओपन हो जाएगी। हाइड ऐप सेटिंग ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें दिखा रहा है प्लीज एंटर योर पासवर्ड। तो दोस्तों आपका जो भी पासवर्ड है, अगर आप वो भूल गए हो, आपको नहीं याद है, तो क्या कर सकते हो? तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फॉरगेट पासवर्ड। अब दोस्तों यहाँ पर आएगा एक क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, नेम का आंसर आ रहा है। तो दोस्तों अगर आपने जब हाइड ऐप स्टार्ट करा था, तो आपने एक सिक्योरिटी क्वेश्चन को एंटर करा होगा। आपने अपना नाम या आपने अपने फोन का नाम, आपने कुछ भी लिखा होगा वहाँ पे, तो आपको वही याद कर लेना है एक बार फिर से, और यहाँ पे एंटर कर देना है। दोस्तों अगर आप ये भी भूल गए हो, तो फिर तो दोस्तों आप जो ऐप हाइड है उनको अनहाइड तो नहीं कर सकते। और उसके लिए दोस्तों आपके पास एक और लास्ट ऑप्शन है, आपको अपने फ़ोन का फैक्ट्री रिसेट करना पड़ेगा। फिर आपको इरेज ऑल डाटा करना पड़ेगा अपने डिवाइस का, तब आप हाइड ऐप सेटिंग को अनलॉक कर सकते हो। तो दोस्तों जब भी पासवर्ड बनाओ, जब भी पासवर्ड लगाओ हाइड ऐप्स के लिए, ऐप लॉक के लिए, स्क्रीन लॉक के लिए, उसको बिल्कुल मत भूलो। और अगर सिक्योरिटी क्वेश्चन का ऑप्शन आता है आपके डिवाइस में, अगर आप कोई और फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो दोस्तों प्लीज़ सिक्योरिटी क्वेश्चन को मत भूलना। अगर आप अपने पासवर्ड को भूल जाते हो, दोस्तों सिक्योरिटी क्वेश्चन से आप इसको अनलॉक कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मेरा जो सिक्योरिटी क्वेश्चन था, शायद दोस्तों या तो वो फ़ोन होगा, या फिर दोस्तों यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ एक बार, मैं ज़्यादातर फ़ोन वगैरह ही लिखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये करेक्ट नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक बार ट्राई करता हूँ अपने फ़ोन के नाम से, ये भी करेक्ट नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं मोबाइल लिख के ट्राई करता हूँ, और दोस्तों शायद मोबाइल वाला भी करेक्ट नहीं है। तो एक सेकंड मैं ओके लिख लेता हूँ। दोस्तों ये था मेरा सिक्योरिटी क्वेश्चन, ओके लिख रखा था मैंने वहाँ पे। दोस्तों जैसे सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सही यहाँ पे एंटर कर दोगे, यहाँ पर दोस्तों आपको दोबारा से पासवर्ड को बना लेना है, ठीक है? तो पासवर्ड बनाने का तरीका भी आपको आ जाएगा, और ऐप लॉक फॉरगेट करने का तरीका भी है। डबल हैश यूज़ करो पहले, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है। और दोस्तों अगर आप डबल हैश यूज़ नहीं करोगे, तो पासवर्ड सेट नहीं कर सकते। अब जो भी पासवर्ड बनाओगे याद रखना। दोस्तों अभी एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, 1234 काफ़ी इजी सा पासवर्ड है, डबल हैश 1234। और यहाँ पे जो जो ऐप आपके फ़ोन में हाइड है, उनको थ्री डॉट पे क्लिक करो, सेलेक्ट करो, और यहाँ से इनको हटा दो। हटाने के बाद आपके फ़ोन में कोई भी ऐप हाइड नहीं है, आप देख सकते हो सारे के सारे ऐप यहाँ पे अनहाइड हो जाएंगे, आपके स्क्रीन पे ये वाला ऐप आ जाएगा। दोस्तों मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक नमस्कार। आई होप दोस्तों समझ चुके हो हाइड ऐप के पासवर्ड को कैसे फॉरगेट कर सकते हैं। बाय बाय दोस्तों।